जय हिंद एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम इन कैडेट कॉफी टाइम्स विद ए एन ओ प्रीति स्वामी। तो दोस्तों, आज जो हमारा पॉडकास्ट है वो बहुत ही स्पेशल है। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे टीचर्स, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स अक्सर हमसे पूछते हैं कि भारत स्काउट्स एंड गाइड क्या है। TSG के नाम से ये मशहूर हमारी ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में बहुत सालों से है। ये कैसे इंडिया में आई, किस तरह से इसने अपना इतना ज्यादा आज स्ट्रक्चर जो बनाया है, वो सारी बातों को आज हम अपने पॉडकास्ट में लेके आए हैं। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि भारत स्काउट्स एंड गाइड जो है वो नेशनल यूथ लेवल के प्रोग्राम है, ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पर हमारे देश के बहुत सारे जो यूथ है वो कनेक्टेड हैं। ये यूथ क्या करते हैं, कौन कौन से प्रोग्राम में एसोसिएटेड होते हैं, क्या इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, या यूं कहें कि टीचर्स कौन से इन्वॉल्व होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना कि इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमें चाहिए टीचर्स। तो स्कूल के जो भी टीचर्स हैं वो प्लीज अलर्ट होकर सुनिए, क्योंकि ये प्रोग्राम आपके लिए स्ट्रेट अवे आ रहा है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लेवल्स हैं, आप बहुत आगे तक जा सकते हैं, बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं, और इसमें जो ओवरऑल डेवलपमेंट होती है स्टूडेंट की, उन सारी बातों को हम आपके साथ लेके आए हैं। और आज इस पॉडकास्ट में जो हमारे रिसोर्स पर्सन हैं वो हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं, और मैम हैं डायरेक्टर भारत स्काउट्स एंड गाइड नेशनल हेडक्वार्टर दिल्ली से, मिस दर्शना पवास्कर। वी वेलकम यू मैम। थैंक यू प्रीति जी, थैंक यू सो फॉर हियर ऑन दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर स्पेयरिंग योर टाइम। आज इस प्लेटफॉर्म में हम उसको डिटेल में समझेंगे। तो हम सबसे पहले जो एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है वो आता है हिस्ट्री से रिलेटेड, कि भारत स्काउट्स एंड गाइड की हिस्ट्री क्या है, या हाउ इट केम इनटू एग्जिस्टेंस। भारत स्काउट्स एंड गाइड्स, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स एज यू कैन सी स्काउट्स ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू की थी 2010 साल पुरानी है। ये लंदन में शुरू हुई थी, और लंदन में जब शुरू हुई थी तभी ब्रिटिश कॉलोनीज यहाँ पर थे, एंड देन इट वाज ओनली अवेलेबल फॉर ब्रिटिश कॉलोनीज में जो बच्चे हैं उनके लिए, ब्रिटिशर्स के लिए टू बी वेरी फ्रैंक। और इंडियंस वर नॉट अलाउड, लेकिन हम भी कुछ कम नहीं थे, तो हमारे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ने क्या किया, अपने अपने लेवल पर यही एक्टिविटी उन्होंने करी। तो अलग से भारत सेवा समिति के साथ में, फिर हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स, इंडिया स्काउट्स एंड गाइड्स, मैनी स्काउट्स एंड गाइड्स ऑर्गेनाइजेशन स्प्रैंग अप बिफोर इंडिपेंडेंस, और वो लोग अपने अपने लेवल पर काम कर रहे थे, बिकॉज तभी तो इंटरनेट नहीं था, इतनी कनेक्टिविटी नहीं थी, पता नहीं चल रहा था कौन क्या कर रहा है। लेकिन जब 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिला, उसके बाद में मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन तभी के जो थे, तभी उन्होंने ये इनिशिएटिव लेकर सारे जो स्काउट गाइड ऑर्गेनाइजेशंस थे उनको सबको एक साथ किया। बल्कि गाइड्स की जो ऑर्गेनाइजेशन हुई थी वो भी अलग अलग थी, जो बॉयज का अलग सेक्शन था, गर्ल्स का अलग सेक्शन था, तो सारे स्काउट्स ऑर्गेनाइजेशंस एक साथ आ गए और मर्ज इन टुगेदर टू ब्रिंग इट एज भारत स्काउट्स। और फिर गाइड्स जो थी वहां पर भी दो या तीन ऑर्गेनाइजेशन थे, तो उन्होंने भी एक साथ किया। लेकिन दे सेड कि वी विल कीप एवरीथिंग व्हिच इज सेपरेट फॉर स्काउट्स एंड गाइड्स, बिकॉज बॉयज एंड गर्ल्स हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स एज सच। तो देन इट बिकेम भारत स्काउट्स एंड गाइड्स, ऐसे करके 1950 में भारत स्काउट्स एंड गाइड्स केम इन टू एग्जिस्टेंस। सो अगर हम देख तो हिस्ट्री ऑफ स्काउटिंग इज 110 ईयर्स ओल्ड, इसलिए हमने बहुत सारी एक्टिविटीज और जैम्बोरीज भी की 100 ईयर्स सेलिब्रेट करने के लिए। लेकिन अगर हम देखें भारत स्काउट्स एंड गाइड्स, तो भारत स्काउट्स एंड गाइड्स इज 75 ईयर्स ओल्ड, एंड लकी इनफ दैट दिस ईयर हम 75th एनिवर्सरी के लिए शुरू करेंगे 2024 से लेकर 25 तक। सो देयर विल बी मेजर सेलिब्रेशंस फॉर 75 ईयर्स फॉर भारत स्काउट्स एंड गाइड्स। क्या ऐसे बात है। भारत गाइड्स केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 7th of November, व्हिच इज आवर फाउंडेशन डे। ओके ओके मैम। तो मैम देखिए कितना आपने अच्छी तरह से बताया कि कुछ लोगों ने मिलकर डिसाइड किया और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एग्जिस्टेंस में आई। तो मैम इसका मिशन और विजन जो उस समय का था वो क्या लेके बना था, उसके बारे में हम सुनना चाहते हैं। यही था तभी कि ऑलमोस्ट हर एक बच्चा इंडिविजुअल है, हर एक बच्चा अलग है, हम बैच सिस्टम में उनको नहीं देख सकते, और एज अ लीडर उस बच्चे के अंदर क्या अलग है वो हमें ढूंढना है एज अ लीडर टीचर्स।
और उसी को ही नर्चर करना है, उसी को ही हेल्प करना है टू ग्रो मोर इनटू दैट. एंड द मिशन ऑफ भारत स्वच्छ और द विजन इज मेकिंग बेटर सिटीजन्स ऑफ इंडिया. तो हम बोलते हैं आप एनएसएस में, एनसीसी में हो, तो एनसीसी में तो आप मिलिट्री में हो तो आप बॉर्डर पर हो. और हम हैं जो कम्युनिटी में रहकर भी हम अपनी कम्युनिटी को सुरक्षा देते हैं, एट द सेम टाइम उसको एनहेंस करते हैं, एनवायरनमेंट के लिए काम करते हैं. सो मेकिंग मेकिंग सिटीजन्स ऑफ इंडिया बेटर, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ इंडिया इज वॉट वी बिलीव इन. क्या बात है मैम, बिल्कुल आपने सही कॉम्बिनेशन बनाया है कि जैसे हमारे और दो और ऑर्गेनाइजेशन है, एनसीसी है, एनएसएस है, बीएसजी है, तो सबका अपना अपना रोल है. मैम अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जैसे जो नेशनल लेवल पे जो उनका स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है, जैसे अब हमें क्लियर हो गया कि ऑर्गेनाइजेशन बन गई अपने मिशन और विजन के साथ बन गई, तो उनका एक स्ट्रक्चर होता है, तो नेशनल लेवल पे या रीजनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे बीएसजी का क्या स्ट्रक्चर होता है? हमारा नेशनल लेवल पर हमारा नेशनल हेडक्वार्टर्स है दिल्ली में, एंड दैट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक. हम सारा एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ से हैंडल करते हैं, ठीक है. इसके बाद में हमारे नीचे आते हैं स्टेट एसोसिएशंस. सो सारे ही पॉलिटिकल स्टेट्स हैं, रेवेन्यू स्टेट्स हैं, वो हमारे साथ में है. फिर इसके साथ में रेलवेज, रेलवेज भी दे रिस्पेक्ट्स काउंसिल गाइड्स अ लॉट, एंड देयर आर लॉट ऑफ प्रमोशनल थिंग्स, लॉट ऑफ प्लेसेस रिक्रूटमेंट्स हैपन ऑन दिस काउंसिल बेस. क्योंकि पहले रेलवे स्कूल्स थे, रेलवे स्टाफ के लिए स्कूल्स थे, तो उससे हमारे रेलवे के जो 16 जोन्स हैं वो कनेक्टेड हैं, कि दोज आर ऑल्सो अवर स्टेट एसोसिएशन. फिर हो गए KVS, NVS, DAV, ये सारे भी हमारे स्टेट एसोसिएशन है. हम स्टेट एसोसिएशन का दर्जा किन्हें देते हैं? फर्स्ट इज पॉलिटिकल, सेकेंड इज एक पर्टिकुलर नंबर के अगर ग्रुप इज देयर इंस्टीट्यूशन, KVS दे हैव अ बिग नंबर, तो उनको दूसरे कोई स्टेट्स के साथ में मर्ज कर नहीं रखे, ताकि वो अपना अपना खुद का प्रोग्राम हो कर सके. ऐसे करके हमारे पास में 52 स्टेट्स ऑर्गेनाइजेशन अब है. पॉलिटिकल जस्ट बताया, रेलवे बताया, इंस्टीट्यूट बताया. हमने अभी रिसेंटली वी हैव कनेक्टेड विद पर्यावरण संरक्षण गतिविधि, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ यंग बॉयज एंड गर्ल्स हु आर कनेक्टिंग टू वर्क ऑन एनवायरमेंट. तो उनके हिसाब से हमारे साथ में डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन भी हैं, जैसे ये जामियत यूथ क्लब. जामियत यूथ क्लब अगेन इट्स अ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल हु आर देयर, लेकिन हमने उनको एक डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन का रिकॉग्निशन दिया है. डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन मतलब स्मॉल ग्रुप्स बट दे कैन स्टिल कनेक्ट. फिर हमारे कुछ बच्चे हैं जो इंडियंस हैं, जो मस्कत में, दुबई में, सऊदी अरेबिया में रहते हैं, तो दोज आर ऑल्सो लाइक इंडियन स्कूल्स ऑफ मस्कत, इंडियन स्कूल्स ऑफ सऊदी अरेबिया, तो उनको भी हमने डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स कर दिए, क्योंकि बच्चे हैं हमारे हैं और वहां पर है, तो उनके साथ में हम कनेक्ट करते हैं. ये हो गया हमारा स्टेट का स्ट्रक्चर. स्टेट के अंदर में क्या होता है? अगेन द डिस्ट्रिक्ट्स विच आर देयर, द पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट्स, वहां पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स होते हैं. फिर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स होते हैं, फिर उसके साथ में आता है लोकल एसोसिएशन. पर्टिकुलर एक कलेक्ट्रेट या फिर एक एरिया है तो उसमें भी, लेकिन लोकल एसोसिएशन सब जगह पे जरूरी नहीं है. अगर हमारा नंबर बड़ा है, हम नहीं हैंडल कर रहे, डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन नॉट एबल टू हैंडल, तभी हम लोकल एसोसिएशन करते हैं. इट डिपेंड ऑन द स्टेट कि उनको कैसे स्ट्रक्चरली उनको मैनेज करना है, एक्टिविटीज करना है, तो इट डिपेंड. सो इस तरह से हमारा नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल. अभी लोकल एसोसिएशन के बाद में वी कनेक्ट विद द स्कूल्स. सो स्कूल इज अवर यूनिट, अवर ग्रुप, और उसके अंदर देर आर मेनी सेक्शंस हमारे जो वाह अलग मैम, बहुत प्यारे अलग. तरीके से ये आपने स्ट्रक्चर समझा दिया. ये मतलब मेरे को लगता है जितने भी हमारे लिसनर्स और व्यूअर्स हैं वो सुन रहे होंगे, उनको बिल्कुल एक क्लियर पिक्चर दिख गई कि कैसे हमारा स्ट्रक्चर बना है बीएसजी का. तो मैम अब हम बात कर रहे हैं कि ग्लोबल स्काउटिंग और गाइडिंग जो मूवमेंट होता है उसके साथ कैसे अलाइन होते हैं हमारा बीएसजी. जैसे मैंने बताया कि यूके से आई है ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत सालों से पहले, और उसी तरह से हमारे ग्लोबल पार्टनर्स हैं दो. जैसे हम पहले जैसे स्काउट्स और गाइड्स अलग अलग था, वैसे ही वहां पर भी स्काउट्स का ऑर्गेनाइजेशन इज वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्काउट मूवमेंट, WOSM वॉजम, एंड वैग्स का है वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ गर्ल गाइड्स एंड गर्ल स्काउट्स. ओके,
तो ये दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके साथ में हम कनेक्ट करते हैं ग्लोबली अराउंड 197 कंट्रीज के साथ में। सो जब आप एक भारत सत्संग गाइड के मेंबर बन जाते हो, यू कैन ऑल्सो मेक फ्रेंड्स विद 197 कंट्रीज। 197 कंट्रीज में जो भी एक्टिविटीज हो रही है, इवेंट्स में, उसके लिए आप जा सकते हो। यू कैन कोलैबोरेट, यू कैन वर्क, यू हैव इंटरेक्टिव वेरियस प्रोग्राम्स, यू कैन कोलैबोरेट। और ये जो है, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस आर पार्ट ऑफ द बिग सिक्स। हम बिग सिक्स उन्हें बोलते हैं ग्लोबल लेवल पर। 2006 बिग यूथ ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे वॉजम हो गया, वायस हो गया, YMCA, YWCA, ड्यूक ऑफ एडिनबरा, और वन मोर इज देयर अवार्ड्स। सो ये जो है सिक्स बिग ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो जब भी यूएन के साथ में कंसल्टेशन होता है, जहाँ पर उन्हें चाहिए कि युवा क्या चाहता है, तो दीज ऑर्गेनाइजेशंस कम टुगेदर एंड देन गिव देयर रिकमेंडेशंस। व्हाट इज द यूथ आस्किंग? अगर किसी भी तरह का सर्वे करना है, तभी भी इन ऑर्गेनाइजेशंस को दे ब्रिंग इन। सो वी बोल्डली से भारत स्काउट्स एंड गाइड्स इज पार्ट ऑफ बोथ द ऑर्गेनाइजेशंस एंड वर्किंग इन कोलैबोरेशन विद ऑल द अदर बिग सिक्स ऑर्गेनाइजेशंस। मैम, मैं ही जानकर मतलब इतनी एनलाइटन फील कर रही हूँ कि इतनी बड़ी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज है स्टूडेंट्स के लिए, इंडिया के लिए, जो हमारे हैं बहुत सारे बच्चे हैं, टीचर्स हैं, उनके लिए कितनी बिग अपॉर्चुनिटी है दैट दे कैन इवन कनेक्ट विद वर्ल्ड वाइड विद अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो। अब आती है मैम, मैं बहुत सोच रही हूँ कि जो स्टूडेंट्स या टीचर्स या हमारे साथ एसोसिएटेड है, वो जरूर जानना चाहते होंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि ये तो क्लियर हो गया। अब आना कैसे है, किस लेवल पे होता है, स्टूडेंट्स के लेवल पे जैसे बिल्कुल बेसिक से, फिर स्टूडेंट लेवल पे, फिर बड़े 11th 12th के बच्चों के लिए, और टीचर्स किस तरह से आ सकती हैं, तो उस सब का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जैसे कि मैंने बताया कि हमारा मेन रोल इज टू क्रिएट बेटर सिटीजन्स ऑफ इंडिया, राइट। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज वेरी वेरी सिंपल हमने रखे हैं, जैसे कि ये एज होना चाहिए, यू हैव टू बी अ इंडियन सिटीजन, और सेक्शन वाइज अलग अलग, बिकॉज इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोग्राम स्टार्टिंग फ्रॉम एज 3। सो 3 से 6 के जो बच्चे होते हैं, 3 to 5 के जो बच्चे होते हैं, हम उनको बनीज कहते हैं, ओके। और बनीज, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इनोवेटिव है, और ये बनीज और कॉन्सेप्ट बहुत ही कम देशों में है। अगर हम 197 देशों के साथ में बोले, बहुत ही कम देशों में है। एंड जब हमारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ द चाइल्ड करके आया था, दैट टाइम वी स्टार्टेड विद दिस स्कीम, एंड इट इज गोइंग ऑन विद मेनी स्मॉल आंगनवाड़ी बाल वाटिका में, बहुत अच्छे से चलता। फिर आते हैं हमारे प्राइमरी चिल्ड्रेन। सो 5 to 10 years के जो बच्चे होते हैं, दे कैन बिकम पार्ट ऑफ कब्स एंड बुलबुल, ओके। कब्स मीन्स द बॉयज एंड बुलबुल्स आर द गर्ल्स। सो प्राइमरी स्कूल इज देयर। उसके बाद में आता है 10 प्लस टू 17, 10 to 17 years, वो है वो युवा वाला एज और सेकेंडरी स्कूल। सो वो स्कूल में, वो एज में जब भी बच्चा होगा, दे कैन बी पार्ट ऑफ इट। उसके आगे है 18 to 25। 18 to 25 इज अगेन अवर रोवर्स एंड रेंजर्स, जो हमारे कॉलेज के बच्चे हैं, इंटर के बच्चे हैं, और टिल ग्रेजुएशन तक दे कैन बी पार्ट ऑफ इट। 25 के बाद में बच्चों ने क्या करना है, राइट। सो 25 के बाद में, अगर उन्होंने ये पूरे प्रोग्राम करते करते गए हैं, तो आइदर दे कैन बिकम अ यूनिट लीडर, बिकॉज उनके पास ऑलरेडी डोमेन नॉलेज है कि स्काउट्स क्या करता है, और उसके ऊपर दे कैन बिकम अ लीडर एंड दे कैन ऑल्सो हैव अ कनेक्टिविटी विद द यूनिट टू ब्रिंग इन मोर चिल्ड्रेन एंड अंडरस्टैंड, मेक देम अंडरस्टैंड दिस मोर थिंग्स, और एल्स दे कैन ऑल्सो बिकम रोवर इन सर्विस और रेंजर इन सर्विस। मीन्स यू आर पार्ट ऑफ द मूवमेंट, बट एट द सेम टाइम यू आर नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग। जब भी कोई भी सर्विस रिक्वायरमेंट है, हम आपको बुलाएंगे, जैसे आपदा मित्र हो गया, फिर फ्लड्स के टाइम पे भी हमने बच्चों को बुलाया। सो यू आर पार्ट ऑफ, एक बार आप आ गए तो यू आर पार्ट ऑफ द मोमेंट टिल यू आर यू वॉन्ट टू हैव योर सेल्फ। सो यू कैन बी प्लेइंग एक्टिव पार्टिसिपेशन बाई यूनिट लीडर, और यू कैन ऑल्सो प्ले अ पैसिव पार्टिसिपेशन बाई जस्ट बींग मेंबर एंड वेन एवर वी कॉल यू कॉल। तो ये जो अलग अलग सेक्शंस हैं, ये अलग अलग सेक्शंस के अपने अपने मोटो हैं। पहले थीम नहीं था शायद, मे बी दैट्स वाई दे हैव दिस मोटो। सो मोटो इज लाइक, जैसे मैंने बनीस का बताया, उनका मोटो क्या हो सकता है बताइए, जस्ट टीजर। बनीस का मैम, ये तो वैसे
चीयरफुली रहते होंगे, बच्चे छोटे हैं ना। यस वेरी गुड। सो उनका मोटो है कीप स्माइलिंग, बस। सो ऑल द एक्टिविटीज जो होंगी वो दैट विल बी समथिंग टू कीप देम स्माइलिंग, कीप देम एक्टिव एंड ऑल दिस मोटर नर्व वगैरह वगैरह। फिर आते हैं हमारे कपिल बिल, कपिल बिल का मोटो होता है डू योर बेस्ट, कैसे भी हो कुछ भी हो डू योर बेस्ट, ठीक है। काउचिंग गाइड्स का मोटो होता है बी प्रिपेयर्ड, जो भी आपके लाइफ में वो एज में आता है यू बी प्रिपेयर्ड विद इट, जो भी आ जाए उसके। एंड रोवर्स एंड रेंजर्स इज सर्विस। सो इफ यू सी दिस मोटोज आर कनेक्टिंग व्हाट द चाइल्ड शुड बी डूइंग, ओके, इसके साथ में एज अप्रोप्रिएट हमारा करिकुलम बना हुआ है, वो करिकुलम के अनुसार वो टीचर उनको बच्चों को सिखाते जाते हैं। सो द होल स्ट्रक्चर, जैसे मैंने बोला 75 years वी आर कंप्लीटिंग नाउ, दिस होल स्ट्रक्चर हैज बीन पुट इन फ्रॉम द वेरी बेस विथ एक्सपर्ट्स इन देयर, एंड दिस प्रोग्राम वी कीप ऑन रिव्यूइंग विद द न्यू पॉलिसीज विच आर कमिंग। जैसे अभी हमारी एनईपी आई है, एनईपी के हिसाब से भी हमने बहुत प्रोग्राम रिव्यू कर दिया है, एंड वी आर एड मीन्स व्हेन वी सॉ एनईपी इट वाज नॉट अ डिफरेंट थिंग फॉर अस, बिकॉज हम वही बोल रहे थे कि हर बच्चा इंडिविजुअल है और हर बच्चे का अपना एक लर्निंग पेस होता है, हम उसको बैच सिस्टम में नहीं डाल सकते, और वही एनईपी बोल रही है ऑन द सेम बेसिस उसको चॉइसेस दे सकते हैं, मल्टीपल चॉइसेस। सेम थिंग हम बच्चा जब सिखाते हैं तभी उसको एस्टिमेशन करना होता है, वो कर सकता है, फर्स्ट एड चॉइस कर सकता है, पेंट आर्ट। सो वी ये जो थॉट है ना ये बहुत पहले से इज ऑलरेडी इन टू दी ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम आई विल से, एंड वी स्टिल जस्ट कीप दैट नेम गोइंग ऑन, दिस इज कोलैबोरेटेड विद और एट पार विद द एनईपी, ऐसे वी कीप ऑन गोइंग होता है। तो सो दिस इज हाउ एनी चाइल्ड कैन कम इन एट एनी लेवल एंड वी कैन कम। ओके, तो मैम जैसे आपने स्टूडेंट्स का बताया ना, व्हाट अबाउट द टीचर्स, हाउ एंड विच एज ग्रुप टीचर्स, या कोई क्राइटेरिया होता है मिनिमम एज होनी चाहिए इतनी, क्योंकि छोटी भी क्लास एज मैटर करता है, एक्सपीरियंस मैटर करता है, या कुछ और क्राइटेरिया है? टीचर्स के लिए इट इज वेरी सिंपल, वी नीड टू हैव देम एज सिटीजन ऑफ इंडिया, दे हैव टू बी 18 years बिकॉज दे आर टीचर्स, राइट, दे हैव टू बी इन टू सम स्कूल्स एंड 18 years का थोड़ा सा एक मैच्योरिटी वी एक्सपेक्ट। सेम थिंग उसके ऊपर दे शुड बी ऑल्सो हैविंग दैट पैशन टू वर्क विद दोज चिल्ड्रन। 18 years तो कर दिया लेकिन अगर शी डजंट लाइक स्मॉल किड्स सो हाउ इज शी गोइंग टू वर्क, ओके। सो वो एज के क्राइटेरिया, इन टू दैट एज द चाइल्ड द टीचर हैज टू लाइक दैट चाइल्ड दैट एज ग्रुप, ओके। ऑफकोर्स हम मदर्स है वी ऑल्सो नो, अच्छा व्हेन द चाइल्ड स्मॉल इट इज वेरी नाइस इनोसेंट, राइट। जब बच्चा मेच्योरिटी में आ जाता है, टीन्स में आ जाता है, जितनी डिफिकल्ट अगर वो उसको वो थॉट ही नहीं कि मुझे वो टीन एज वाले बच्चों को हैंडल करना है एंड आई हैव गॉट दिस माइंड सेट टू डू इट, देन शी विल डू। फिर रोल्स एंड रेंजेस का है कि वी आस्क देम टू बी एज 21 years मिनिमम बिकॉज उनकी मेच्योरिटी लेवल अलग होती है, और एनी वन शी डजेंट हैव टू बी अ टीचर टू ज्वाइन एज अ लीडर। मैंने आई फॉरगॉट टू टेल यू दिस द स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिट्स, जब हम बोल रहे हैं कि लोकल एसोसिएशन के बाद में यू कैन हैव स्पॉन्सर्ड यूनिट्स एंड अनस्पॉन्सर्ड यूनिट्स। स्पॉन्सर्ड यूनिट मतलब जिस स्कूल में है कॉलेजेस में है देर इज अ मैनेजमेंट विच इज हैंडलिंग विच इज टेकिंग केयर ऑफ देम एंड एवरीथिंग, देर इज अ पर्सन द होल इंस्टीट्यूट इज देयर। नॉट स्पॉन्सर्ड यूनिट आर द पीपल हु आर इन द कम्युनिटी। अगर हम देखें तो हमारे जो रेलवे का जो स्ट्रक्चर है दैट इज ऑल ओपन यूनिट्स भी हम उसको बोलते हैं। एनी चाइल्ड फ्रॉम एनी डिफरेंट सोसाइटी डिफरेंट स्कूल दे कैन कम टूगेदर, क्लब्स जो होते हैं कम टूगेदर एंड दे कैन स्टार्ट दिस यूनिट। वेस्ट बंगाल में ये मॉडल बहुत ही अच्छे से चला, वहाँ पर बहुत ही क्वालिटी गाइडिंग क्वालिटी स्काउटिंग होती है क्योंकि एवरी वन इज कनेक्टेड विद दैट पैशन एंड दैट लव टू बी इन टू दूमन, वेर इज इन स्कूल द टीचर्स एंड द चिल्ड्रन लाइक यू नो कि हाँ नहीं इस साल आपको स्काउट लेना है, अगले साल आपको सोशल सर्विस लेना है, तो लाइक बच्चों के पास में ऑप्शन नहीं होता, मे बी वन एंड देन सेकेंडली द टीचर ऑल्सो लाइक हाँ ठीक है मैनेजमेंट ने बोला है तो हमें करना है। सो दीज आर द टू वेज हाउ दे कैन कनेक्ट एज टीचर्स। सो दे कैन नॉट बी जस्ट, जैसे मैं आई एम नॉट अ टीचर, आई हैव ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ द गाइड्स फ्रॉम नाइन एज नाइन, so I always wanted to give back to the organization but I never came into the teaching field,
लेकिन आई स्टिल हैड माई यूनिट, आई स्टिल वर्क विद माई रेंजर्स, आई स्टिल फील कनेक्टेड विद द गर्ल्स. सो यू कैन गेट कनेक्टेड, यू डोंट हैव टू बी लाइक प्रोफेशनली टीचर बेसिकली. ओके ये तो मैम कुछ नई बात ही, मुझे भी कुछ नई बात सुनने को मिली है कि मतलब कोई भी कहीं पे भी कम्युनिटी में, बिकॉज मैम बहुत सारे हमारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो EWS के हैं, वो कम्युनिटीज में हैं, सोसाइटी में हैं, तो हम उनसे कनेक्ट करके भी ये मूवमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं अपने बेसिस पे भी. अब आती है मैम, तो कनेक्शन भी हो गया, अब हमारे को ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आ गया, बच्चे एनरोल भी हो गया. अब आते हैं एक्टिविटीज पे, कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं जो बच्चा मतलब जो हम कहते हैं ग्रूमिंग के लिए उसको जरूरी है. सो अगर आप बेसिक से बताना चाहते हैं तो वो भी ठीक है, या जो भी आपको मेन मेन बतानी है वो आपके ऊपर है. राइट. जैसे मैंने बताया कि हमारे करिकुलम है बच्चों का हर एक लेवल पे, और लेवल पे करिकुलम के साथ में द चाइल्ड कीप्स ऑन एडवांसिंग, अपना अपना प्रोग्रेसिव पैटर्न है. एक बार उन्होंने नॉट सीख लिया, फिर उन्होंने लैशिंग सीख लिया, फिर लैशिंग्स को कैसे बनाना, गैजेट सीख लिया, ऐसे एनहेंसमेंट इज देयर ऑफ एवरी टॉपिक. सो वो प्रोग्राम के हिसाब से ही हमारे टीचर्स आर बीन ट्रेन्ड, आवर लीडर्स आर बीन ट्रेन्ड, एंड देन दे कीप ऑन गोइंग. लेकिन अगर ये बच्चा प्रोग्रेसिंग क्यों हो रहा है, प्रोग्रेस करेगा बिकॉज दे मस्ट बी फीलिंग गुड दैट दे वांट टू लर्न, और दे मस्ट बी गिविंग अवार्ड्स. सो अलग अलग हमारे अवार्ड्स के लेवल है, जैसे प्रथम द्वितीय तृतीय अपवर्ड स्काउट्स एंड गाइड्स मोर, बिकॉज वो ही हमारे बच्चे बहुत सारा है. और फिर उनका एक होता है राज्य पुरस्कार, जो हमारे मोस्टली स्टेट्स में गवर्नमेंट के पास से मिलता है, और राज्य पुरस्कार की बच्चा सारे स्किल्स सीख लेता है, ठीक है. और फिर जब वो उसके आगे का होता है राष्ट्रपति अवार्ड, जब राष्ट्रपति अवार्ड उसको करना होता है, तभी जब उसने इतनी सारी जो स्किल्स सीखी है राज्य पुरस्कार तक, वो सारी स्किल्स उसको कम्युनिटी में देनी है. दिस इज द होल लॉजिक एक्चुअली. और उसको एक साल तक कम्युनिटी के साथ में काम करना है, अपने प्रॉब्लम्स जो आसपास में है वो देखने हैं, जैसे एम्बुलेंस मैनेज, ये एक वेरी इंपॉर्टेंट हमारा बैच है जहाँ पर हम बच्चों को सिखाते हैं कि हाउ कैन डू, यू कैन गिव CPR, ऑल दोस थिंग्स, एंड देन उसका टेस्टिंग होता है, एंड देन दे गो फॉर द राष्ट्रपति अवार्ड. सो ऐसे करते हमारे ट्रीम्स बनते बनते जाते हैं, देन दे कम अप हायर एज राष्ट्रपति. ये हो गया हमारा रेगुलर करिकुलम. उसके साथ में हमारे बहुत सारे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होते हैं, जैसे कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, नमामि गंगे, फिर अभी कल ही हमने एक प्रोग्राम किया था जो इंटरनेशनल पोस्टल क्लीनअप डे अलोंग विद मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस. सो ये सारी ही एक्टिविटीज भी हमारे राउंड द ईयर चलते रहते हैं, बट दीज आर ऑल एक्स्ट्रा, अदरवाइज द मेन प्रोग्राम इज व्हाट द चाइल्ड हैज टू डू. तो मैम जैसे एक स्टूडेंट है स्कूल में, जैसे स्कूल में उसको हिस्ट्री, इंग्लिश, ये बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो आपकी जो ये ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कौन कौन से ऐसी स्किल हैं जो एक पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए इजी होता है कि प्लीज आप पार्ट बनिए BSG के, क्योंकि तो पेरेंट्स आजकल नेचुरली रिजल्ट ओरिएंटेड हैं, तो वो कहते हैं कि भाई बच्चा ट्यूशन जा रहा है, ये है, हम क्यों उसको इन्वॉल्व करें, तो कौन कौन से स्किल होते हैं स्पेशली जो इसमें सीख सकता है? राइट. मैं तो पेरेंट्स से बोलूंगी कि पहले ये मत देखिए कि उसके लिए क्या है, पहले आप डालिए और फिर आप देखिए कि बच्चे में कितना अलग से बिहेवियरल चेंज है. ओके, आई विल गिव अ एग्जांपल ऑफ माय टीचर. व्हेन आई वाज गोइंग फॉर राष्ट्रपति अवार्ड, तो मेरी टीचर ने मेरी मम्मा को बोला था कि, मम्मी ने उसको बताया था कि 2-3 साल से ये जा रही है लेकिन फिर भी उसका कुछ आउटपुट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वगैरह वगैरह, एज एवरी पेरेंट. सो मेरी टीचर ने बोला कि दीपा, आप इसको एक बार मेरे साथ में भेज दो काम के लिए, और फिर आप खुद ही जानोगे कि हाउ शी इज डिफरेंट. माय मम्मा स्टिल टेल्स मी दैट कि जिस तरह से वो लीडर ने मम्मा को कन्विंस किया, एंड लिटरली शी कुड सी द डिफरेंस इन द बिहेवियर ऑफ दैट चाइल्ड. ओके, सो द चाइल्ड लर्न्स टीम बिल्डिंग ऑन देयर ओन. जैसे हमारे कैंप्स है, हम हमारा बच्चा जब एक कंफर्ट जोन में चल रहा है कि मम्मा लड़कर देगी तभी हम खाएंगे, हम ये करेंगे तभी करेंगे, मम्मा हमारी बैग पैक करो, ये करो, तो जब हम बच्चे को वहां पर कैंप में छोड़ देते हैं तो बच्चा लोन है, कंफर्ट जोन है नहीं, उसको बाजू वाले फ्रेंड के साथ में भी सेटअप करना है, उसको नीचे गद्दा डाल के अपने आप से ही करना है, सोना है, अपने आप से ही खाना पकाना है, अपने आप से ही जाके पेट धोनी भी है. और ये अकेले नहीं कर रहा, ये सारे लोग कर रहे हैं, वो 40 बच्चे जो उस कैंप में वो सारे कर रहे हैं. सो ही कैन सी टू कि दिस इज पॉसिबल,
दिस इज पॉसिबल, दिस इज नथिंग न्यू। और जब वो बच्चा घर पे वापस आता है तो ही हैज अ कंप्लीटली डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, एंड वो सीख जाता है कि उसको लाइफ में कैसे जीना। दूसरा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अगर सोचो कि हम बच्चों को सिखाते हैं बिन बर्तन का खाना पकाना, क्या बात है, अच्छा। तो ये अगर हम बोले तो ये सोच इटसेल्फ इज सो डिफरेंट कि बिना बर्तन का खाना कैसे पकाएंगे। लेकिन ये हम उनको हंसते खेलते हुए सिखा देते हैं जब ये कैंप के लिए आते हैं, या फिर जब एक वो जो प्रोग्राम होता है ना हमारे, दैट इज देयर, उसको हम बोलते हैं बैकवर्ड्स मैन कुकिंग मेथड। जब वो बच्चा सीख जाता है कि बिना बर्तन का कैसे खाना पका सकते हैं, ठीक है। और इसमें ऐसा कुछ नहीं कि हार्ड एंड फास्ट रूल है कि ऐसा ही होना चाहिए वैसा ही होना चाहिए, इट इज अ एक्सपेरिमेंट दैट द चाइल्ड डज ऑन हिज ओन, ठीक है। तो ये हम सिखाते हैं, और ये कब यूज आता है, सपोज डिजास्टर में, जैसे फ्लड्स हो गए, जैसे अर्थक्वेक हो गया, तो वहां पर बच्चा ये सारी चीजें यूज कर सकता है और अपनी कम्युनिटी को बचा सकता है। फिर एक होता है कि एस्टिमेशन है, फिर कम्युनिकेशन है। हम बच्चों को अभी भी हैम रेडियो, सेमोफोन, ये सारी चीजें सिखाते हैं जो मे बी आज हमें आर नो नॉट यूजफुल, लेकिन जब वो बच्चा एक्चुअली इम्प्लीमेंट करेगा ना, तभी उसको पता चलता, हाँ यार ये मैंने तभी सीखा था जो मुझे अभी यूज कर। कोविड में हमारे बच्चों ने इतनी अच्छी तरह से इतना सारा काम किया, मीन्स हम एनएचपी में रहकर हम देख रहे थे भाई हम इतने सारे बच्चे कहाँ से आ गए और इतनी सारी एक्टिविटीज मिली, तभी हमें भी एक इट वॉज आई ओपनर फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि जितना सारा हमें सिखाया था वो सारा बच्चों ने तभी यूज किया। सो इट्स अ लाइफ लॉन्ग ट्रेनिंग एंड इट इज अ लाइफ स्किल्स स्किल्स दैट वी गिव फॉर द चाइल्ड इन हियर। एंड ये ऐसा नहीं है कि आपने ओवरनाइट एक दिन के लिए बच्चा आ गया उसको भी सिखा दिया फिर भेज दिया, नहीं। एवरी चाइल्ड हैज हिज ओन पेस ऑफ लर्निंग और वो धीरे 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 लर्न करेगा। और सच में जो पेरेंट्स ये सोचते हैं कि इनको कितने मार्क्स मिलेंगे या फिर इस बच्चे को कितना वापस मिलेगा, कोविड ने हमें सिखा दिया कि कितना भी पैसा हो, कितना भी अवार्ड हो, कितनी भी सारी चीजें हों, लेकिन जब तक उसके पास में ह्यूमैनिटी नहीं है तब तक चीजें नहीं चेंज होगी। तो अगर एज अ पेरेंट हम एक अपने बच्चे को ह्यूमन तो है ही, लेकिन उसको एक अच्छा ह्यूमन बनाना चाहते हैं, तो वो जरूर स्काउट्स एंड गाइड्स में उन बच्चों को डाले। एंड यू कैन सी द चेंज, एटलीस्ट 3 ईयर्स वी वॉन्ट द चाइल्ड विद अस, बिकॉज इट इज नॉट अ ओवरनाइट थिंग, हम टैबलेट डाल दिया और फिर खाना खा लिया, नहीं है। एंड दोस चिल्ड्रन रिमेम्बर देयर स्किल्स, रिमेम्बर दोस क्वालिटीज दैट दे हैव अर्न फॉर देयर लाइफ। अभी भी हम जाते हैं इवेंट्स में, प्रोग्राम्स में, तभी बहुत सारे लोग आकर बोलते हैं कि मैम आई वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ स्काउट्स एंड गाइड्स, मैम आई वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ स्काउट्स। तो ये जो है ना कनेक्टिविटी, वो कहीं ना कहीं पर तो वो बच्चे में रहेगी कि ये मैंने यहाँ से सीखा था, ये मैंने यहाँ से सीखा। सो डोंट गो विद दैट मटीरियल गेन एज पेरेंट, बट गो विद दैट लॉन्ग टर्म इफेक्ट दैट द चाइल्ड विल हैव बाय बीइंग। बिल्कुल मैम, बहुत प्यारा तरीके से आपने इसको पेरेंट्स को भी मैसेज दिया है, और आपने जैसे इनके मोटो से बताया है कि सिंपली अगर हम बच्चे को इनिशियल स्टेज में, जब का बुलबुल के टाइम पे है, बनी के टाइम पे है, वो स्माइल करना सिखा दिया, हैप्पी रहना सिखा दिया, डू योर बेस्ट सिखा दिया, या बी प्रिपेयर्ड, या फिर सर्विस सिखा दी, तो ये जो एज वाइज उसमें ग्रोथ हो रही है, आई थिंक यही हमारे नीड ऑफ एन आर भी है, और वो हर एक इंडिविजुअल को आना भी चाहिए। तो मैम अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल इवेंट्स में कैसे स्काउट्स एंड गाइड पार्टिसिपेशन होती है, क्योंकि हमने राष्ट्रीय और ये अपने राष्ट्रपति अवार्ड तक तो देख लिया, अब आगे चलते हैं थोड़ा और इंटरनेशनल लेवल। जी, इंटरनेशनल लेवल पर भी मोस्टली दे हैव दिस कोलैबोरेशन एक्टिविटीज। जैसे हमने जैम्बूरीज अ बिग बट्स, ओके, अभी रिसेंटली जैम्बूरी हुई थी कोरिया में, हमारे अराउंड 400 से ऊपर बच्चे गए थे यहाँ से, और वहां पर जाके उन्होंने टेंट में जिया, टेंट में खाया, टेंट में अलग अलग कंट्रीज के कल्चर्स को देखे। कुछ यूथ फोरम्स में जाकर हमारे बच्चों ने बोला कि उन्हें क्या चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं चाहिए। सो इट्स अ कल्चरल एक्सचेंज, नॉट ओनली जस्ट कल्चरल एक्सचेंज। हम कल्चरल एक्सचेंज इंडिया को तो रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि इंडिया का स्टेट इटसेल्फ इज अ बिग कल्चरल थिंग, एंड एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चले जाओ तो इटसेल्फ इज अ बिग कल्चरल एक्सचेंज। लेकिन जब हम इंडिया के बच्चों के लिए बात करते हैं कि भारत के बच्चे जब एट पार विद ग्लोबल लेवल, तो
तो वहां पर भी बहुत सारा डाइवर्सिटी है, और उस डाइवर्सिटी में हमारे बच्चे इंक्लूसिव कैसे हो जाए, तो वो बच्चा समझ कर आता है। जैसे कोरिया वाले जो हुए थे वहां पर उन्होंने बहुत सारी चीजें देखी। नॉइज, बच्चों को पता चलता है कि नॉइज पॉल्यूशन इज सच बिग इश्यू फॉर अस, स्वच्छता इज सच बिग इश्यू फॉर इंडिया। तो वो जो बच्चे वहां से सीख रहा था ये सारी चीजें तो आती है। तो जैम्बरीज आर बिग कल्चरल एक्सचेंज एक्टिविटीज विच वी डू ऑन ग्लोबल लेवल। दिस इज विद द बॉसम। तो अगर आप देखो बॉसम और वैम्स ना, बॉसम इज मोर अबाउट नंबर्स, बिग चिल्ड्रेन, बिग गैदरिंग्स, एंड वैम्स इज बिकॉज इज आर फीमेल ओरिएंटेड, दे आर मोर ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग। ओके, सो हम वैम्स में दे वर्क मोर अबाउट लीडरशिप ट्रेनिंग, मोर अबाउट बींग सेफ, इंटरनेट सेफ, हैविंग अ बेयर स्पेस फॉर योर सेल्फ, हैविंग अ सेफ स्पेस फॉर द चाइल्ड, देन टॉकिंग अबाउट SDGs, टॉकिंग अबाउट क्रिएटिंग अ बेटर वर्ल्ड, टॉकिंग अबाउट जेंडर इक्वालिटी, ये सारा कैपेसिटी बिल्डिंग का काम ये करते हैं। और बहुत सारा एक्टिविटीज ऑन बिग नंबर्स एंड गैदरिंग्स का काम मौजूद करते हैं। सो एज वर्क स्टार्ट एज वी आर वेरी लकी टू बी कनेक्टेड विद बोथ द ऑर्गेनाइजेशन। और बहुत सारे कंट्रीज में ऐसे हैं कि दोज आर ऑल सेपरेट, जैसे गर्ल गाइड्स मलेशिया हो गई, वो सिर्फ गर्ल गाइड्स गर्ल्स के साथ में ही काम करते हैं, और बॉय स्काउट्स मलेशिया, तो वो स्काउट्स वाले जो है वो उनका अलग से ही विंग चलता है, यहाँ पर अलग से विंग चलता है। लेकिन भारत स्काउट्स एंड गाइड्स का एडवांटेज है कि वी हैव बोथ ऑफ देम, सो वी कैन टेक बोथ ऑफ देयर प्रोग्राम्स एंड एनहांस अवर चिल्ड्रन। ये हो गया। उसके साथ में बहुत सारे फोरम्स हैं, जैसे गर्ल्स के लिए वर्ल्ड सेंटर्स हैं, वर्ल्ड सेंटर्स में हमारे बच्चे जाके वॉलंटियरिंग कर सकते हैं, और वो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है। मींस वेज ऑफ वर्किंग, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, कैसे ग्रीट करना है, कैसे करना है, चेकलिस्ट क्या है, वो सारी चीजें सीखना। एंड वेन यू आर वॉलंटियर, तो देर इज नो राइट और रॉन्ग, यू आर जस्ट ही लर्निंग इंटर्नशिप में। सो वॉजम का एक सेंटर है विच इज इन कंडस्टेक स्विट्जरलैंड, एंड गाइड्स के पांच वर्ल्ड सेंटर्स हैं, एंड एनी ऑफ द गर्ल्स कैन बी एनी वेयर गोइंग एज वॉलंटियरशिप, एंड दे कैन लर्न एज इट्स अलग अलग एक्टिविटीज ऑन ग्लोबल लेवल। ओके तो मैम देखिए, अभी आपकी बातों से पता चल रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट तो एसोसिएटेड होंगे और अलग अलग लेवल पे भी होंगे, तब इनका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता होगा? क्योंकि तो टफ होता है, जैसे हम स्कूल में भी होते हैं तो एक बच्चे को सेलेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, तो अगर इंटरनेशनली किसी चीज के लिए या फिर ये कहें कि राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए भी, राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए भी उसको सेलेक्ट करते हैं, तो उसका सिलेक्शन प्रोसेस के लिए क्या बच्चे के अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए? सो जब बच्चा अंदर आता है एंट्री लेवल पर, वी हैव नो सिलेक्शन प्रोसेस, बिकॉज वी बिलीव कि जैसा चाइल्ड है वो हमारा है, वी आर रेडी टू एक्सेप्ट हिम, और उसके आगे से वी विल टेक केयर ऑफ द चाइल्ड, सो देयर इज नो सिलेक्शन लेवल एट द एंट्री पॉइंट। बट एज द चाइल्ड ग्रोज अहेड, जैसे ऊपर ऊपर एडवांसमेंट होता है, तभी वहां पर सिलेक्शन लेवल्स है। जैसे राज्य पुरस्कार के लिए हो गया तृतीय, हमारा अगर स्काउट्स एंड गाइड्स का देखें तो प्रवेश, प्रथम, द्वितीय सोपान, तृतीय सोपान, ये तीनों जो लेवल्स हैं ये उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही उनको काम करना है, और यहाँ पर वे बहुत सारे स्किल्स एक्वायर करते हैं। ठीक, उसके आगे का जो है राज्य पुरस्कार, उनको सर्विस देनी है, कुछ स्किल्स एक्वायर एनहेंस करनी है, और बैज करना है। बैज सिस्टम मतलब क्या, हमारा प्रोफिशिएंसी बैजेस सिस्टम इज वेरी वेरी वंडरफुल सिस्टम। हर एक बच्चा अलग है, हर एक बच्चे अलग के हिसाब से हमने क्राइटेरियाज करके रखे हैं, प्रोग्राम्स करके, एक्टिविटीज करके रखे हैं। वो बच्चा वो एक्टिविटीज करता है, वो अपना लॉग बुक, अपना रिपोर्टिंग देता है, और उसके हिसाब से उसको बैच मिलता है, बैच एग्जामिनर होता है। ऑफ कोर्स इफ आई मेरी बच्ची को मुझे भेजना है आर्ट एंड पेंट के लिए, आई कैन नॉट डू दैट बिकॉज मेरे पास में वो स्किल्स नहीं। सो बैच एग्जामिनर्स आर देयर हु आर इनटू आर्ट एंड क्राफ्ट, एंड दे विल एग्जामिन एंड देन दे विल डिसाइड कि यस द चाइल्ड कैन हैव दिस बैच। सो बैचेस जब भी बच्चा पहनता है, ही फील्स वेरी गुड, फील्स वेरी वंडरफुल, अच्छा आई हैव गॉट सो मेनी बैचेस। तो राज्य पुरस्कार तक बैच है, उस वो राज्य पुरस्कार की स्किल्स टेस्टिंग होती है, जैसे उसको नॉट्स बांधने आते हैं कि नहीं, लैशिंग्स कर सकता है कि नहीं, उसमें फिनिशिंग है, नीटनेस है, वो सारी ट्रेनिंग्स होती है, उसकी टेस्टिंग होती है, और टेस्टिंग का क्राइटेरिया होता है, उसके बाद में वो बच्चा राज्य पुरस्कार में, वो स्टेट लेवल पर टेस्टिंग है। राष्ट्रपति के लिए ही वर्क्स फॉर द प्रोग्राम फॉर 1 ईयर,
उसके बाद में उसके फॉर्म्स आ, बट वी हैव अ टेस्टिंग प्रोग्राम। अगेन उसकी स्किल्स, नॉटिंग आता है, लैशिंग आता है, बैंडेज बांधने आता है, सीपीआर कर सकता है कि नहीं, वो तो दोज आर स्किल बेस्ड एक्टिविटीज एंड टेस्टिंग। एंड देन द चाइल्ड कैन इज एलिजिबल फॉर राज्य पुरस्कार, एलिजिबल फॉर राज्य पुरस्कार। लेकिन हम सिर्फ स्किल्स के ऊपर नहीं काम कर सकते, एंड वी आर गॉट दिस सर्टिफिकेट जो राज्य पुरस्कार राष्ट्रपति वाला है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास सिग्नेचर हो गया। सो देन ड्यू टू सम रिक्वायरमेंट्स ऑफ द मिनिस्ट्री एंड द प्रेसिडेंट हाउस, हमने उसको भी ऑनलाइन कर दिया। स्किल्स तो है, लेकिन स्किल्स के क्राइटेरिया दे आर नॉट फाइंडिंग इट दैट यस दिस शुड बी द टेस्टिंग ऑफ दिस। तुमने ऑनलाइन कर दिया, तो ऑनलाइन एग्जाम्स अभी चलते हैं हमारे बच्चों के। अभी भी 28th of September वी हैव गॉट अवर ऑनलाइन एग्जाम्स, और तभी द चाइल्ड विल गिव अस 60 मिनट्स का ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, एंड उसके मेरिट्स के ऊपर ही विल बी सिलेक्टेड फॉर राष्ट्रपति। क्या बात है मैम, आपने बिल्कुल क्लियर बताया है कि जितने हमारे लिसनर, व्यूवर्स, पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको बिल्कुल क्लियरली होगा कि कितना क्लियर पिक्चर है सिलेक्शन का। आप मेहनत कीजिए, पढ़िए, खूब लगन से अपने स्किल डेवलप कीजिए, तो आपके लिए मंजिल दूर नहीं है, आप राष्ट्रपति के पास आराम से पहुंच सकते हैं। इतनी आसान सीढ़ी मैम ने समझाई है। तो मैम अब हम बात करते हैं एडल्ट जो हमारे लीडर्स होते हैं, तो उनका रोल क्या होता है एडल्ट जो लीडर्स हैं, उनको भी कोई रैंकिंग सिस्टम है मिनिमम, जैसे एक टीचर ज्वाइन करती है, कोई भी एक बनता है, उसमें कहाँ तक वो पहुंच सकते हैं? तो उसमें भी एडवांसमेंट सिस्टम है हमारा, क्योंकि ऐसे तो हो नहीं सकता कि आपको एक ही बार में, एक ही 7 दिन हम कैंप्स लेते हैं। मेन है हमारी जो ट्रेनिंग होती है वो डे ट्रेनिंग तो होती है कुछ छोटे छोटे लेवल्स पर, अदरवाइज इज कैंप्स। जब आप कंफर्ट जोन छोड़ कर आते हो तो यू रियली लर्न लॉट ऑफ थिंग्स, और वही सेम थिंग इज विद द टीचर्स ऑल्सो, उनको अपना कंफर्ट जोन छोड़ कर ही आना है एंड दे लर्न दिस। तो उसमें फर्स्ट हमारी ट्रेनिंग होती है बेसिक, बेसिक में हम टीचर्स को सिर्फ पहले 2 लेवल जो बच्चे के हैं वो ही सिखाते हैं। फिर होता है एडवांस, एडवांस में ऊपर के 2 लेवल्स और बच्चों के, ऐसे करते करते द टीचर ऑल्सो ग्रोज एंड द चाइल्ड ऑल्सो ग्रोज अलॉन्ग। सो ऐसे अलग लेवल्स हैं, बेसिक, एडवांस, SWB। आपने अगर SWB तक सीख लिया तो इट इज गुड, यू कैन टीच अ चाइल्ड, ठीक है, दैट इज योर टीचर ट्रेनिंग। लेकिन SWB के ऊपर अगर आपको लीडर ट्रेनर बनना है तो यू नीड टू गो अहेड। सो दोज आर ऑल मैनेजमेंट स्किल, दोज आर ऑल हाउ टू हैंडल अ कैंप, व्हाट आर द एक्टिविटीज कैन बी डन, हाउ टू मेक अ सेशन, वो सारी चीजें होती हैं उसमें, और वो भी 3 लेवल्स हैं, प्री एल्टी, एएलटी असिस्टेंट लीडर ट्रेनर, एंड देन एलटी लीडर ट्रेनर। सो ये करने के बाद में यू कैन बिकम अ मास्टर ट्रेनर, यू कैन बिकम अ ट्रेनर टू ट्रेन द टीचर्स। सो दोज आर ऑल इंटरव्यू, ठीक। इसके साथ में यू कैन ऑल्सो आस्क योर सेल्फ फॉर वेरियस अवार्ड्स, अलग अलग अवार्ड्स होते हैं हमारे, सिल्वर स्टार, सिल्वर स्टार, सिल्वर एलिफेंट इज द हाईएस्ट अवार्ड फॉर इंडिया, अगर कोई भी लीडर्स करना हो तो अलग अलग लेवल्स के दे कैन कीप ऑन एडवांसिंग दैट। मैम अब ये बात आती है कि जैसे आपने बताया कि हम ये जो यूनिट है वो स्कूल के लेवल पे या कॉलेज के लेवल पे भी कर सकते हैं, ओपन यूनिट भी कर सकते हैं। तो जब हम इन ट्रेनिंग्स पे जाते हैं, जो आपने बताया कि आपका वो जो लास्ट बैच तक पहुंचता है, एक लीडर की बात कर रही हूँ मैं, तो वो ओपन एंट्री में भी ऐसे ही है, सेम प्रोसीजर है कि वो स्कूल कॉलेज के लिए ही है? नहीं, एनी वे ओके टीचर कैन जॉइन एनी वे। जैसे मैंने अभी गिविंग माय एग्जांपल, आई आई वाज अ बुलबुल, आई वाज अ राष्ट्रपति गाइड। फिर गाइड के बाद में मेरे यहाँ पर रेंज ऑफ सेक्शन इतना एडवांस नहीं था, देयर वाज नो यूनिट, तो अभी मुझे क्या करना था, आई वाज ऑलरेडी 18, सो आई बिकेम अ टीचर। सो टीचर इन द सेंस ट्रेनिंग, ओके, बेसिक, एडवांस, एचडी, सब कुछ किया, मेरी अपनी ओपन यूनिट चलती थी, आई वाज वर्किंग विद दी जुगु के जो गर्ल्स थे उनके साथ में, और द माय यूनिट हैड ऑल वर्सेटाइल, लाइक मुस्लिम्स, हिंदू, क्रिश्चियन, एवरीवन वर देयर, सम चिल्ड्रन वर देयर हु वर वेरी रिच फ्रॉम माय स्कूल, एंड पीपल, सम पीपल वर देयर हु वर नॉट वेरी रिच, हु वर वेरी पुअर। सो एज अ मिक्स कल्चर में वी हैड दोस ग्रुप बोया, एंड देन आई आल्सो एडवांस माय सेल्फ एंड बिकेम अ लीडर ट्रेनर। सो आप, कोई जरूरी नहीं है कि आपको स्कूल टीचर ही होना चाहिए, हु कैन बी कॉल्ड दिस एडवांस। ओके तो मैम अब नेक्स्ट आता है कि अभी फ्यूचर जो प्लान्स हैं, क्योंकि आपने वैसे ही बताया कि अभी ये ईयर बहुत ही वैल्यूबल है, तो अपकमिंग फ्यूचर प्लान्स BSG के क्या हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं? हाँ।
या बीएससी की फ्यूचर प्लान्स अगर हम बात करें तो हमारा सबसे बड़ा इज द 75 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेशन, जहाँ पर एक जनवरी होगी फॉर द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, एक जनवरी होगी फॉर द क्लोजिंग ऑफ द ईयर, एंड वी आर ऑल्सो हैविंग द फर्स्ट वर्ल्ड गाइड जैम्बोरी. इसके पहले भी की थी लेकिन इट वॉज नॉट अ सक्सेसफुल वन इन डेनमार्क. सो दिस टाइम वी विल बी हैविंग द फर्स्ट वर्ल्ड गाइड जैम्बोरी एंड वी विल बी कॉलिंग मेनी गर्ल गाइड्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज फॉर द जैम्बोरी. दिस इज अवर मेजर थिंग. देन वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू एनहेंस अवर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द बिल्डिंग इन थिंग्स एडवांसमेंट्स आर देयर. वी आर ग्रोइंग वर्किंग ऑन अ बिग प्रोजेक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज, क्योंकि क्लाइमेट चेंज इज वॉट वी आर गोइंग अहेड विद. यूथ लेड एक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज हमारा प्रोग्राम है, जहाँ पर हमने बहुत सारा काम किया दैट इज गोइंग ऑन. वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन द डिजिटल सेफ्टी ऑफ अ चाइल्ड. सो सर स्मार्ट बीएसजी डीएसजी डिजिटल स्मार्ट जनरेशन के ऊपर हमारा काम चल रहा है. दीज आर वे फ्यू ऑफ द थिंग्स विच आर गोइंग ऑन फॉर द बिजनेस. ओके मैम, जाते जाते आपसे बस हम ये पूछना चाहते हैं कि आपकी इस पूरे टेन्योर में, जैसे आपने बताया कि कितनी टेंडर एज से आप इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी थी और आज आप उस हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंच गई हैं, तो इस पूरी जर्नी में आपकी कोई इंस्पायरिंग स्टोरी या कोई टचिंग मोमेंट या कुछ ऐसा कुछ इंसिडेंट आप शेयर करना चाहते हैं जो जिसने आपकी लाइफ में एक बहुत ही इम्पैक्टफुल, हो सकता है वो किसी स्टूडेंट से रिलेटेड हो या किसी कम्युनिटी से रिलेटेड हो, कोई आप शेयर करना चाहें तो. सच में बोलेंगी तो वॉट एवर आई एम टूडे इज बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स, नो डाउट अबाउट दैट. बट बींग पार्ट ऑफ दिस मूवमेंट, इट्स अ मूवमेंट राइट, इतने सालों से चलते आ रहा है, मैं कल रहूँ ना रहूँ, एंड बींग पार्ट ऑफ दिस मूवमेंट हैज गिवन मी सो मेनी थिंग्स कि लाइक आई इट इज काउंटलेस. मैं अगर सोचू कि 5 चीजें मिली है, 10 चीजें नहीं, उससे ज्यादा नंबर हैज बीन गॉन आई डोंट नो वेयर. बट यही है कि जुड़े रहने की वजह से भी वी आर हियर, एंड इट हैज क्रिएटेड मी एज अ वेरी गुड एज अ हम्बल पर्सन. नो रिक्वायरमेंट कि हाँ मेरी बेसिक नीड्स आर बीन टेकन केयर ऑफ एंड इनफ, एंड दैट ग्रीड जैसे होता है ना वो नहीं है, बिकॉज वी हैव सीन सो मेनी थिंग्स चेंजिंग. सो वो ग्रीड पार्ट जब निकल जाए तो यू बिकम अ वेरी गुड ह्यूमन, और वो तभी हो सकता है व्हेन यू हैव सीन द वर्ल्ड, यू हैव सीन द पीपल चेंजिंग, यू हैव सीन पीपल अराउंड यू हु आर मच मोर हेल्पफुल, मच मोर टेकिंग केयर ऑफ ईच अदर. सो इट चेंजेस. आई विल टेल यू मोर अबाउट इट. यू नो व्हेन वी साइन लाइक दिस, ये साइन जो है, दीज आर दी पार्ट्स ऑफ अवर लॉ. ओके, वी हैव वन गाइड लॉ एंड दीज आर द 9 पार्ट्स ऑफ द लॉ. ठीक, और यहाँ पर हम बोलते हैं जो छोटा वाला है ना हमारे ऐसे ये मूवमेंट का है कि दिस स्मॉल वन इज ऑलवेज बीन टेकन केयर बाय द एल्डर वन. ओके, बड़ा वाला थम इज ऑलवेज होल्डिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ इट, इसको इसके ऊपर कोई आंच नहीं आने देते. ठीक है, फिर हम बोलते हैं कि दिस इज अ ग्लोबल मूवमेंट, सो दैट्स व्हाई दिस ग्लोब इज देयर. एंड वी सी कि द प्रॉमिसेस ऑन माय ऑनर, आई प्रॉमिस दैट आई विल डू माय बेस्ट टू डू माई ड्यूटी टू गॉड एंड माई कंट्री, टू हेल्प अदर पीपल. मैं पहले दूसरों को हेल्प करूँ, टू हेल्प अदर पीपल एंड टू ओबे द गाइड लॉ. ओके, सो वेन यू टॉक अबाउट हेल्प निस्वार्थपने, मीन्स कुछ एक्सपेक्टेशन के बिना करोगे ना, सो द वर्ल्ड इज वेरी ब्यूटिफुल एंड वॉट एवर यू गिव विल गेट बैक. सो आई रियली बिलीव दैट दिस मोमेंट इज वंडरफुल एंड दिस इज क्रिएटिंग एंड दिस विल क्रिएट वंडरफुल रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ इंडिया. अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो हमारे SDGs हैं उसके साथ भारत स्काउट्स एंड गाइड कैसे रिलेटेड है. SDGs के साथ में तो सारे ही कनेक्टेड है, नॉर्मली भारत का समझाइए कुछ भी हम छोटी सी भी चीजें करें फिर भी हम SDGs के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं. तो SDGs के ऊपर तो हमारे बच्चे बहुत सारा काम कर रहे हैं, जैसे कि अभी इंटरनेशनल कोस्टल सीन अभी हमने किया, बहुत सारी चीजें. लेकिन आई टेल यू इसमें हम कर रहे हैं जैसे क्वालिटी एजुकेशन के अंडर में वी आर वर्किंग विद द स्ट्रीट चिल्ड्रन, वी आर वर्किंग विद ऑर्फनेजेस, जहाँ पर वो अपना अपना खुद का यूनिट चला सकते हैं. एक आंध्र प्रदेश का ऑर्फनेज इज सो वंडरफुल, डूइंग सो मेनी एक्टिविटीज. वो हमारे जामबुरीज में हमेशा ही आते हैं, मोस्ट ऑफ द नेशनल लेवल एक्टिविटीज ऑल्सो दे डू स्ट्रीट चिल्ड्रंस के साथ में. एक बहुत ही अच्छा जुग्गी बस्ती वाले बच्चों के साथ में हमारा गाजियाबाद में एक इवेंट चलता है,
और डेडिकेटेडली वो लीडर्स एवरी वीक जाकर उनके साथ में कुछ ना कुछ तो एक्टिविटीज करते हैं, कुछ ना कुछ तो एक्सपोजर्स करते हैं। सो ये SDGs के साथ में हम कनेक्टेड हैं, एंड सर्टनली इसको हम पहले करते थे अंडर कम्युनिटी सर्विस, कम्युनिटी डेवलपमेंट एक्टिविटीज के अंदर। नाउ SDGs आया तो हम SDGs करें, बट SDGs कनेक्टेड एवरीवेयर एंड सर्टनली वी आर पार्ट ऑफ इट एट लॉट ऑफ प्लेसेस, लॉट ऑफ द गोल्स ऑफ SDGs। ओके, तो मैम बहुत अच्छा बताया आपने, क्योंकि जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं कुछ ऐसे भी होंगे जो एक्चुअली में स्कूल कॉलेजेस में नहीं भी जा रहे हैं, तो क्यों ना हम उन्हें भी कनेक्ट करके और इस मूवमेंट से जोड़ सकते हैं, और उनकी भी जो पर्सनालिटी ग्रूमिंग आपने बताया स्किल बेस्ड उनकी हो जाती है लाइफ, और वो इतनी वैल्यू सीखते हैं कि आगे वो उनकी लाइफ में काम आते ही आते हैं। क्या बात है मैम, आपके साथ टाइम का पता ही नहीं चला, और इतने प्यारे तरीके से आपने पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बताया, और ये भी बताया कि कैसे वो एक स्टूडेंट की लाइफ में अगर जैसे आपने ज्वाइन किया था कितना चेंज और इम्पैक्ट ला सकता है, वो कहाँ तक वो बदलाव उसके पूरी लाइफ लॉन्ग चलता है। सो थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना टाइम स्पेयर किया, और हम कोशिश करते हैं आपसे बिल्कुल मतलब तहे दिल से दुआएं मांगेंगे कि ये जो हमारा करंट ईयर है बहुत सक्सेसफुल जाए, और भारत स्काउट्स एंड गाइड की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऐसी ही राइज एंड शाइन करती रहे। तो इसी नोट के साथ हम आपको फिर से तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, एंड वी रियली वांट टू से थैंक यू टू ऑल आर लिसनर्स एंड व्यूअर्स जिन्होंने एंड तक इस प्रोग्राम को सुना समझा, और हम ये जानते हैं कि आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन देने में हम थोड़े से तो कामयाब हुए होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग टू द एंड, सी यू नेक्स्ट टाइम इन आर नेक्स्ट पॉडकास्ट। टिल देन जय हिंद। थैंक यू, जय हिंद।